पाकिस्तान जिंदाबाद, वाह यार, इमरान खान पाइंदाबाद, बड़ी चीज, इमरान खान के फॉलोअर है ये। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए अली मोहम्मद खान ऑल पोइट्री रिएक्शन। सो इनकी जो पोइट्री के टिकटॉक वीडियोस हैं और सारा जो एक व्हाट्सएप कंपाइलेशन है वो हम देख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे इनकी हमने एक पहले एक स्पीच सुनी थी तो वो बहुत ही कमाल की थी। इन्होंने पार्लियामेंट में वो स्पीच दी थी एंड जिस बेबाकी से ये स्पीच देते हैं और जिस तरीके से ये इमरान खान के साथ खड़े हुए दिख रहे थे तो उससे पता लग रहा था कि भाई ये सबके दांत खट्टे कर देते थे और ये कुछ भी बोल पाते थे, जैसा इनका मन में आता था वो चीज़ें बोलते थे एंड बहुत ही एक बहुत अदाकारी से बोलते थे। सो अब सुनते हैं इन्होंने ऐसा क्या इनकी पोइट्री में है और कहाँ पे इन्होंने ये पोइट्री बोली है। और हम लोगों ने देख रखा है कि जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस है वो कुछ भी बोल देते हैं, लाइक इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि वो लोग ये कह रहे थे कि तुम चोर हो, चोरों के गुलदस्ते हो ऐसे, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जैसे पार्टनर ने कहा कि ये जो है ये बहुत ही ज्यादा तमीज से बात करते हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने पॉइंट की बात करी होगी, किसी को बिना गाली दी या कुछ। तो बाकी मैं इसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, स्टार्ट करते हैं। और मुझे इस बात पे फख्र है, खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल की। वाह, कि हाँ आज फिर जीने को मन करता है, कुछ करने को मन करता है। हाँ आज फिर जीने को मन करता है, कुछ करने को मन करता है। वो जुल्फ की घनी छांव, वो आंचल का लहराना, फिर थोड़ा सा मुस्का के रंग का चुराना। पर जुल्म के अंधे साहिल में बदहाली के इस आलम में, पर जुल्म के अंधे साहिल में बदहाली के इस आलम में कुछ करने को मन करता है। काश मैं लौटा पाऊं उन नन्हे नन्हे हाथों, काश मैं लौटा पाऊं उन नन्हे नन्हे हाथों, वो कलम का पकड़ना और मट्टी का खिलौना। हाँ मैं कुछ कमजोर सही, हाँ मैं कुछ लाचार सही, हाँ मैं कुछ कमजोर सही, हाँ मैं कुछ लाचार सही, पर दिल तो मेरा जिंदा है और कुछ करने को मन करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, वाह यार, इमरान खान पाइंदाबाद। है बड़ी चीज, इमरान खान के फॉलोअर है ये। गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगदों में पहना दी है दरवेश को ताजे सरदारा, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। वाह, मेरे हाथ में कलम है, है मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू ज़ुल्मतों का पाला। वाह, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला, आरजी नाकामी शिकस्त का मुतबादल नहीं। हम सब मुसलमान हैं और हमारी तारीख बड़ी पड़ी है कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म न हो और जीना भी कोई जुर्म न हो, वहाँ फूल खुशी के खिलते हो और मौसम सारे मिलते हो, वहाँ रंग नूर बरसता हो और सारे हंसते बसते हो। विकास है ऐसी बस्ती की जहाँ जहाँ झूठ का कारोबार न हो, दहशत का बाजार न हो, वहाँ खून की अहोली आम न हो, उस आंगन गम की शाम न हो। विकास है ऐसी बस्ती की जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, वहाँ मुंसिफ से इंसाफ मिले, दिल सबका सबसे साफ मिले। बस्ती अमजद खान साहब, ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो, उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती। क्या कमाल की शायरी थी। और हमें पता लग गया कि जो ये है ये इमरान खान के सपोर्टर है और कितनी अच्छी शायरी कर रहे थे ये। और इन्होंने यही बोला कि ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान हो वो बिल्कुल वहाँ पे शांति हो और कुछ मतलब कि ऐसे ना हो। और फिर उसके बाद इन्होंने बहुत ही तहजीब से बात करी थी, इनमें कोई बदतमीजी नहीं थी या कुछ भी नहीं था, किसी को गाली नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और बस वो बात किए जा रहे थे। और वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान मतलब कि एक एक जगह उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और इमरान खान के लिए भी कुछ ऐसे करके ही बोला कि इमरान खान जिंदाबाद ऐसे करके बोला। तो हमें इससे पता लगता है कि इमरान खान के कितने ज्यादा सपोर्टर है पाकिस्तान में और लोग उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो एजुकेटेड लोग हो चाहे फिर वो इलिटरेट हो, सब उनको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और साथ में देखा जाए तो उनकी जो
तरीका है ना सुनाने का, वो भी बहुत प्यारा है। लाइक वो जो उनकी वो लास्ट वाली लाइन थी, वो जो बस्ती वाली उनकी पूरी पोइट्री थी, वो बहुत ही प्यारी थी। लाइक कोई ऐसी बस्ती हो जहाँ पे, मतलब वो ड्रीम कर रहे थे कि लाइक सारी अच्छी चीज़ें हो और कहीं ना कहीं कोई ऐसे लड़ने मारने वाला ना हो और कहीं पे ऐसे टेररिज्म ना हो, वो सारी चीज़ें हो, वो आपकी बस्ती हो, हमारी बस्ती हो। तो वो एक ऐसा, एक बोलते हैं ना, यूटोपियन चीज़ मांग रहे थे, लेकिन वो चीज़ अचीव करने के लिए उनको पता था कि बहुत सारी मुश्किलें हैं। और ये शायद तब का टाइम है जब वो उनकी पार्टी को शायद निकाला जा रहा था और अब तब पीटीआई को हटाया जा रहा था, तो तब ये उन्होंने बहुत सारी गुहार लगाई थी। तो यार, और तभी से मेरे ख्याल से इनके इनकी जो इंप्रेशन है लोगों के मन में इतनी ज़्यादा बैठ गई है। तो इसमें आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।